साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अभी से जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स 2024 और सलाहकार समूह का गठन कर दिया। इसके साथ ही पार्टी भारत जोड़ो अभियान के लिए भी कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बनाई गई तीन कमेटी को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इन तीन कमेटियों में से दो कमेटियों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। इसी महीने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में हुई घोषणा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें G23 के दो प्रमुख सदस्यों को जगह दी गई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। वहीं 8 सदस्यों वाले सलाहकार समिति में आनंद शर्मा भी शामिल हैं। 2024 टास्क फोर्स कमेटी में प्रशांत किशोर की जगह चुनावी रणनीतिकार सुनील कनुगोलू को शामिल किया गया, जो कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। वहीं 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए भी कमेटी गठित की गई है, जिसमें युवा नेताओं को भी जगह दी गई है। इस कमेटी में दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर, रवनीत बिट्टू, KJ जॉर्ज, ज्योति मणि, प्रद्युत बारदोली, जीतू पटवारी, सलीम अहमद का भी नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।